तो ंग महाप्रभु रामानंद राय का जो विचार विमर्श साधन साध्य पर हुआ था बड़ा संक्षिप्त और बड़ा सुंदर और तमाम शास्त्र वेद पढ़ने की जरूरत नहीं महाप्रभु जी ने पूछा रामानंद राय से साध्य क्या है जीव का साध्य माने एम उद्देश्य लक्ष्य क्या है? तो रामानंद भी विनोदी उन्होंने कहा कि लभते नारा अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी ब्राह्मण अपना कर्म करे क्षत्रिय अपना वैश्य अपना शूद्र अपना ब्रह्मचारी अपना गृहस्थी अपना बाण प्रस्थी अपना संन्यासी अपना अठारहवे अध्याय का पैतालीसवा श्लोक गीता महाप्रभु जी ने कहा ये तो आप बता रहे स्वर्ग पाने का स्वर्ग तो नश्वर है अरे ये नहीं भाई है कोई बढ़िया लक्ष्य बताओ <coughs> अच्छा अच्छा तो योशी यदश ना यजुहोशी ददाश तपस्या शिकुष्व मदर्पणम गीता नवे अध्याय का सत्ताईसवां श्लोक जो कुछ तुम करते हो कर्म धर्म जो भी ओ, सब भगवान को अर्पित करो आ, 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 उससे तो ठीक है ये लेकिन इससे तो कर्म बंधन कटने वाली बात है ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है इससे बड़ा बताओ कर्म करो फिर उसको अर्पित करो तो कर्म का फल नहीं मिलेगा उन्होंने तो कहा रामानंद ने की सर्वधर्मान परित्यजमा में शरण ब्रज अहंत्वाम तो सर्व पापे भ्यो मोक्ष अठारहवें अध्याय का छा श्लोक गीता सब धर्म कर्म चक्कर सब छोड़ और केवल मेरी शरण में आ जाओ माम एकम और जो तू कहता है पाप लगेगा पाप लगेगा तो अहंत्वम सर्व पापे भ्यो मोक्ष में अरे पाप को क्षमा करने वाला दंड देने वाला मैं तो हूं तो अगर कोई मेरी शरण में आ जाता है तो धर्म कर्म छोड़ने का पाप उसको नहीं लगता अगर शरण में नहीं आए और धर्म कर्म भी छोड़ दे तो फिर उसको नरक देंगे हम महाप्रभु जी ने कहा हाँ ये तो पाप नाश की बात तुम तो कर रहे हो अच्छा है लेकिन ये कोई सबसे बढ़िया वाला नहीं है गुड़ है मिस्त्री नहीं है अब बोले मुस्कुरा करके रामानंद राय अच्छा ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समेश भूतेषु मद भक्ति लभते पर भक्तिया माम अभिजाति यावान यस्मि ततो माम तत्पतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम अठारहवे अध्याय का चौवनवा पचपनवा श्लोक पराभक्ति के द्वारा मुझको जान लेता है मैं कितना हूं क्या हूं और फिर मुझको जान करके मुझ में लीन हो जाता है और ठीक है लेकिन इसमें तो मुक्ति बताई गई है सायुज्य मुक्ति मैं तो इसका बड़ा विरोधी हूं मोक्षोक्ष नहीं चाहिए हमको आप बोले रामानंद ज्ञाने प्रयास मुद न मंत्र ध्याने प्रयास मुद्पास जनमंतेव यिवल संपुक्षरितां भवदीय बारतम स्थाने स्थिता श्रुतिगतां तनुवान मनोभिर ये प्रायसो जित जी तो प्यितई ज्ञानवान सब छोड़ दें कर्म ज्ञान तपश्चर्या योग सब और एक जगह बैठकर कहीं भी हाँ कहीं भी गंदी से गंदी जगह हो स्थाने स्थिता और भगवान की लीला कथा आदि का स्मरण कीर्तन करते हुए भगवान से प्यार करे श्री कृष्ण के प्रेम को पाने के लिए व्याकुलता बढ़ाए ये लक्ष्य महाप्रभु जी ने कहा हा हा अब आप ठीक बोले ये लक्ष्य है